लालची पेट्रोल वाला ट्रैफिक पुलिस। बांद्रा नाम के एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक ट्रैफिक पुलिस हुआ करता था। उसे हाल ही में रोजी नाम की एक लड़की से शादी हुई। दोनों बहुत खुशी से रहते थे। उस गांव के पेट्रोल बंक को नितिन नाम का एक व्यक्ति हाल ही में लीज को लिया। वहां काम करने वालों को नितिन बुलाकर, किसी तरह की बुरी आदतें नहीं रहने के बावजूद भी तुम्हारा पुराना मालिक घाटे में क्यों डूबा जानते हो, पूछा। एक, उनसे हमें क्या साहब, हम क्या ही कर सकते हैं, कहा नितिन। तुम लोग इतने बेवकूफ हो इसलिए तुम्हारा मालिक खत्म हो गया। अब मैं आया हूँ ना, बदलूंगा, पूरे सेटअप को बदलूंगा। अब से हम हमारे पेट्रोल बंक के द्वारा लोगों को अद्भुत मिलावटी पेट्रोल सरफरा करने वाले हैं। वो भी हर दूसरे दिन देंगे, इसलिए आप सभी को सहयोग देना होगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन नितिन मिलावटी पेट्रोल के लिए एक अलग टंकी तैयार करवाया। तब से जब उसके मर्जी आए तब मिलावटी टंकी में से पेट्रोल बेचने लगा। इस वजह से गांव के गाड़ियों में से धीरे धीरे काला धुआं आने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद नितिन फिर एक दिन काम वालों से, देखिए जिंगड़ी बिंगड़ी वर्कर्स, हमें एक हफ्ते के लिए मिलावटी पेट्रोल देना रोकना होगा। अच्छा पेट्रोल ही देना है, तभी गाड़ियों में से काला धुआं साधारण धुए में बदलेगा। फिर अगले हफ्ते फिर से मिलावटी पेट्रोल बेचेंगे। एक बार अच्छा पेट्रोल डालेंगे, बाद में मिलावटी पेट्रोल डालेंगे, अच्छा पेट्रोल मिलावटी पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल मिलावटी पेट्रोल, यही है अपना फंडा। मगर आप सभी को गांव के बाइकों पे नजर रखनी होगी, समझ आया क्या, कहा। काम वाले लाचार होकर मान गए। ये सब चल रहा था। एक बार रात को जब लक्ष्मण घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी, ये क्या जी, आप इतने काले कैसे बन गए, बाप रे, सिर्फ एक दिन में इतने काले, पूछी। लक्ष्मण, क्या बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, मैं काला क्यों बनूंगा, कहा रोजी। मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही है, जाओ जाकर आईने में देखो। कहते ही लक्ष्मण आईने में देखा तो उसका चेहरा काला था। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। बाद में अपना मुंह धोकर अगले दिन से लक्ष्मण बाइक से आने वाले धुएं को गौर करने लगा। ऐसे धुआं ज्यादा आने वाले बाइकों को रोककर लक्ष्मण पाइन डालने लगा। ये देखकर लक्ष्मण से एक, ये नया BS6 इंजन मॉडल है सर, खरीद के 6 महीने ही हो रहे हैं, कंपनी में दिखाए तो सब ठीक है कह रहे हैं, पता नहीं धुआं क्यों आ रहा है, शायद पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है, मगर 2 दिन धुआं आता है तो 2 दिन नहीं आता, हम क्या करें सर, और आप हमें पे फाइन डाल रहे हैं, हम किससे अपनी दुकड़ा सुनाए सर, कहकर फाइन भरकर चला गया। इससे लक्ष्मण को शक हुआ और वो उस दिन पेट्रोल बंक में पेट्रोल भरवा कर घर जाकर बाइक को राइस करके चेक करने लगा। उसके अंदर से आए धुएं के वजह से पीछे खड़ी रोजी का मुंह काला पड़ गया। ये देखकर रोजी लक्ष्मण से झगड़ने लगी। बाद में लक्ष्मण रोजी को मनाया। लक्ष्मण अगले दिन से आए दिन आधा लीटर पेट्रोल डलवाकर अपने गाड़ी के अंदर के पोल्यूशन को चेक करते हुए नितिन के प्लान के बारे में समझ गया। बाद में नितिन जिस दिन पेट्रोल में मिलावट करता है वो दिन पता करके अपने ऊपरी अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। ऑफिसर्स नितिन के पेट्रोल पंप के पास आकर पेट्रोल को चेक किए। उन्हें नितिन के बंक में के मिलावटी पेट्रोल के बारे में पता चला। ऑफिसर्स नितिन को अरेस्ट किए। ये देखकर नितिन से एक वर्कर, भाई पुराना मालिक ही बेहतर था, सबका भला करके घाटे में गया, मगर तुम मिलावट करके सीधे जेल जा रहे हो, कहा नितिन। क्यों रे, ज्यादा बोल रहे हो, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। कहते ही पुलिस वाले उसे 2 खींच के मारे और जीप चढ़ाए। बाद में मिलावटी पेट्रोल को पकड़वाने के लिए पुलिस वाले लक्ष्मण की प्रशंसा किए।